टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने न्यूजीलैंड की तरफ से 200 रनों की मैराथन पार्टनरशिप करने वाले टॉम लाथम और रॉस टेलर की तारीफ करते हुए पहले वनडे मैच में हार के लिए कुछ हद तक अपने बल्लेबाजों को भी जिम्मेदार ठहराया। कोहली ने कहा, हम इसलिए हारे क्योंकि न्यूजीलैंड ने हमें दबाव में ला दिया था। उन्होंने कहा, हमें लग रहा था कि 275 रन का टारगेट अच्छा होगा, लेकिन रॉस और टॉम ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, उन्होंने हमें कोई मौका नहीं दिया और जब आप 200 रन की पार्टनरशिप करते हो तो फिर आप जीत के हकदार होते हो। कोहली ने कहा, उस को ध्यान में रखते हुए हमने आखिरी 13 ओवरों में 20 से 30 रन कम बनाए, लेकिन पहली पारी में विकेट अलग तरह से खेल रहा था। हम बल्लेबाजी में इससे बेहतर प्रदर्शन चाहेंगे। अगर एक दो और बल्लेबाजों ने रन बनाए होते तो हम 40 रन ज्यादा बना सकते थे। कोहली ने कहा, न्यूजीलैंड ने हमारे स्पिनरों और तेज गेंदबाजों का अच्छी तरह से सामना किया था। टॉम और रॉस को इसका श्रेय जाता है। रॉस ने हाल ही में बहुत ज्यादा इंटरनेशनल मैच नहीं खेले, लेकिन उसने शानदार बल्लेबाजी की। ट्रेंट बोल्ट ने भी शुरू में शानदार गेंदबाजी की। कोहली ने केदार जाधव को गेंदबाजी नहीं देने के बारे में कहा, अगर हम पहले ही जीत की दौड़ से बाहर हो जाते या उनके निचले क्रम के बल्लेबाज खेल रहे होते तो हम केदार का उपयोग करते। हार्दिक पंड्या भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा था और इसलिए हमें केदार को गेंद सौंपने की जरूरत महसूस नहीं हुई।